मंडला जिले की बहमनी में एक होनहार छात्रा आशना ने मिस इंटरनेशनल प्रिंसेस ऑफ इंडिया टाइटल का खिताब अपने नाम किया है, जिसके चलते आशना के घर पर बधाई देने वालों का तांता है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री सनपतिया उइके ने आशना के घर पहुंचकर बधाई दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सनपतिया उइके ने कहा कि आशना ने पूरे बम्हनी हवेली क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। साधारण परिवार की आशना के पास कम संसाधन थे और ना ही उन्होंने कोई प्रशिक्षण लिया, फिर भी इस मुकाम को पाकर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आशना मॉडलिंग की दुनिया में जाना चाहती है और इसके साथ ही वह पढ़ाई के क्षेत्र में भी निपुण है। इस वर्ष 10वीं की परीक्षा में 90% प्राप्त किए हैं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट। जो सबसे पहला मेरा पेजेंट था जूनियर मिस इंडिया से, आई स्टार्टेड माई मॉडलिंग करियर फ्रॉम जूनियर मिस इंडिया व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड। मैं इकलौती थी जो मध्य प्रदेश से सिलेक्ट हुई थी। आई वाज जूनियर मिस इंडिया मध्य प्रदेश क्राउन्ड एज मिस कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद मैंने NCFI किया, जहाँ पर मुझे मिस फैशन आइकॉन का अवार्ड मिला। फिर मैं नागपुर गई सुपर मॉडल महाराष्ट्र, वहाँ पर भी मुझे सुपर मॉडल का अवार्ड मिला। और अभी मैंने भोपाल का मिसेस मध्य प्रदेश का करा है, जहाँ आई क्राउंड एज मिस इंटरनेशनल प्रिंसेस ऑफ इंडिया। सो ये बहुत स्ट्रगल लाइफ थी एक छोटे से शहर मंडला से, जहाँ पे शायद कोई जानता भी नहीं है कि मॉडलिंग होती क्या है। मैंने सब यूट्यूब से किया, मैंने कोई पर्सनल ट्रेनिंग भी नहीं ली, सब यूट्यूब से किया। सो बहुत स्ट्रगल था मेरी लाइफ में। दे सपोर्टेड मी इन एवरी सिचुएशन। लाइक मैंने जो भी किया, शायद मैंने जीता नहीं जीता, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम क्यों नहीं जीती, उन्होंने हमेशा बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तुम कर सकती हो। मैं आगे जाना चाहती हूँ, अपने इंडिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ, मंडला का नाम रोशन करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मैं मिस यूनिवर्स बनूँ। मेरा सपना तो मिस यूनिवर्स बनना ही है। जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश मंडला और एक हमारे बम्हनी नगर परिषद को उन्होंने, पूरे हवेली बेल्ट को, पूरे ज़िले को उन्होंने गौरवान्वित किया है, मैं उनके परिवार को, उनके गुरुजनों को और जिन्होंने इनको गाइडलाइन दिया उनको और बेटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कम उम्र में भी उन्होंने जिस तरीके से खिताब अर्जित किया है, वो वाकई में बहुत ही बधाई के पात्र हैं और हम सब लोगों को बहुत ही गौरवान्वित हो रहा है कि हम लोगों ने जो आज बेटी के पास बैठे हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने आज इंटरनेशनल स्तर पे पहुंच कर के और आज जो वो जूनियर मिस इंडिया मध्य प्रदेश आज जीत करके वो हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं, ये कितनी प्यारी बेटी है और वाकई में ये बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, अभी 10वीं पास की हैं, 10वीं में भी 89% बेटी को मिली। और जिस तरीके से एक साधारण परिवार की बेटी और जिसपे कम खर्च में आज उस जगह पर पहुंची, वाकई में बहुत बधाई के पात्र है। और जिस तरीके से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हों या माननीय प्रधानमंत्री जी हों, हमेशा बेटियों के लिए उड़ान भरने के लिए हमेशा हर इसको उन्होंने जिस तरीके से दिया, हर प्लेटफार्म दिया है, ये वाकई में उसी का फल है कि जिस तरीके से बेटी ने, मैंने पूछा कि बेटी प्रशिक्षण ली, किसने आपको गाइडलाइन दिया, कैसे आपने सोचा, उन्होंने कितनी प्यार से बोली कि मैंने यूट्यूब में और गूगल में ये सर्च करके, और उन्होंने खुद से ही प्रेरणा लेते हुए और काम की, ये बहुत ही बधाई के पात्र है। क्योंकि बड़े नगरों में, बड़े शहरों में रहने के बाद, सारी फैसिलिटी होने के बाद भी उस मुकाम तक कोई बेटी पहुंचती नहीं है, पर हमारी गांव देहात की और हवेली बेल्ट की बेटी ने जिस तरीके से कम संसाधन में अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत छोटी उम्र में और आज उस जगह पे पहुंचना, वाकई में बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम सब लोगों को, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। चूँकि मैं मंत्री होने के नाते, सेवक होने के नाते, हम पूरे प्रदेश सरकार की ओर से भी और केंद्र सरकार की ओर से भी बेटी के भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बधाई देते हैं कि आप खूब आगे बढ़ें और नाम रोशन करें। बहुत धन्यवाद।